244 पीटीआई टीचर वास्ते आलिया हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किए सी, जिस विच उस समय दे डीपीआई सेकेंडरी सरदार बलवीर सिंह ने अपना स्वॉर्न एफीडेविट फाइल किया सी। उस तहत 6 फरवरी 2017 नूं लोअर मैरिट कैंडीडेट्स नूं टर्मिनेट कर दिता गया सी, पर इंटेंशनली एंड विद मॉडिफाइड इंटेंशन डिपार्टमेंट ने बदनीति नाल कुछ खास कैंडीडेट्स नूं लाभ पहुँचाउण लई हाईली क्वालिफाइड जिहड़े हैगे कैंडीडेट्स उन्हां नूं परेशान करन लई अते इनडायरैक्टली आनरेबल हाई कोर्ट दे हुक्मां नूं तुहीन करन लई हाईली क्वालिफाइड परसनस नूं नियुक्ति पत्र जारी नहीं किते, जिस करके अज करीब एक साल बीतन दे बावजूद भी हाईली क्वालिफाइड कैंडीडेट्स भुखमरी की हालत में रहने मजबूर है, दर दा ठोकरा खा रहे हैं, ओवरएज होने का डर बनया होया है। पर इसके बावजूद भी महकमा अपने उस अड़ियल रवैये ते फड़ा है, लोअर मैरिट कैंडीडेट्स नू लाभ पहुँचाउण लई और हाईली क्वालिफाइड जिहड़े कैंडीडेट्स है उन्हां नू तंग ते परेशान करन लई ज्यों दा त्यों रवैया अपनाई बैठा है। 244 पीटीआई टीचर दीयां पोस्टां इनिशियली पहला 2008 दे विच निकलियां सी, जिस विच हाईली क्वालिफाइड कैंडीडेट्स नू अप्लाई करन तों रोक दिता गया सी, जिस दे खिलाफ हाईली क्वालिफाइड जो हैगे कैंडीडेट्स है उन्होंने आलिया हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया। आलिया हाई कोर्ट ने अपने हुक्मां राहीं हदायत की सिक्ख्या विभाग पंजाब नूं कि दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाए और हाईली क्वालिफाइड कैंडीडेट्स नूं भी विचारिया जाए और बराबर का मौका प्रदान किया जाए। इस दे खिलाफ महकमा अपील च भी गया, वह भी हाईली क्वालिफाइड परसन के हक च होगी, महकमे के खिलाफ होगी, खारज होगी। इस तो मगरों प्रक्रिया अपनाई गई, नवी प्रक्रिया दे विच जो मैरिट लिस्ट बनी है नवी उन्दे विच हाईली क्वालिफाइड कैंडीडेट्स है उन्होंने नाम आए हुए हैं, पर उन्होंने राइट्स नूं डिप्राइड करने वास्ते असीं इसनूं महकमे की बदनीति के रूप से देखदा उन्हां वल्लों संविधान के खिलाफ जाके अदालती हुक्मां के खिलाफ जाके काम करन दी नीति दस दूंगा नूं मैं। मैरिट लिस्ट में ना आने के बावजूद भी जो नहीं रखे गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग पाई गई, उस उन्होंने अंडरटेकिंग दी एफीडेविट के राही डीपीआई उस समय के डीपीआई सरदार बलवीर सिंह ने, और इस तहत 6 फरवरी 2017 लोअर मैरिट कैंडीडेट जिहड़े है उन्होंने टर्मिनेट भी किया गया, और उस तो मगरों भी वार बार इन्होंने शिकायत जोड़े एप्लीकेशन भी मूव की है महकमे के कोल, पर अजे तक इन्होंने कोई गौर नहीं किया गया। यही कारण है कि अज तुहाडे माध्यम राही प्रेस के माध्यम राही असी सरकार दे अगे बेनती करते हैं कि वह एप्रोप्रिएट डायरेक्शनस जो आपके अधिकारियों को जारी कर ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀ ਤੇ ਡੀਪੀ ਦੀਆਂ? ਪੋਸਟਾਂ ਸਰ 244 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਗੈਰ 800 ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 2008 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 'ਤੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੜਗਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ
बहुत सारे कैंडीडेट्स ने और कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। असं ये चाहवांगे कि महकमा वो जी स्थितियां पैदा ना करे कि पीटीए के टीचर भी किसी उस तरह ना पै जा। ऐसे वजह करके अज प्रेस के माध्यम राही सरकार और सिक्ख्या विभाग के अधिकारियों बेनती की जाती है कि वह हाईली क्वालिफाइड कैंडीडेट्स का हक मानते हुए इन्हों नियुक्ति पत्र जारी कर। हजे तक उस विषय से कोई रणनीति तैयार नहीं की गई। आस करते हैं कि प्रेस के माध्यम राही असं इंसाफ हासिल करने में कामयाब होवांगे। धन्यवाद। पीटीए टीचर को नियुक्त करने लिए सरकार ने एक इश्तहार दिता सी। 2008 दे विच सिक्ख्या विभाग पंजाब ने 244 पी फॉर अनफॉर्चुनेटली उस विच हायर क्वालिफाइड परसनस नूं पीटीए टीचर वास्ते पोस्टां कढ़ियां गईआं। उस इश्तहार में चरण तो रोक दिता गया। इस गैर संधारक हाई कोर्ट अप्रोच किया। अदालत वाली हाई कोर्ट ने सिक्ख्या विभाग पंजाब को हदायत की हाईली क्वालिफाइड उम्मीदवार से कैंडीडेट से जड़े उन्होंने भाग लिया। एक नवी मैरिट लिस्ट तैयार हुई नहीं दिते जिस वजह करके कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग अप्रोच किया गया। थैंक यू।